पैदल मार्च निकाल रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि 9 लाख अभ्यर्थियों की भावनाओं को समझिए और इनकी मांगों को मानिए और परीक्षा को रद्द करके पुनः पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित कीजिए, जिसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशन हो तो कटअप सभी का मार्क्स बताया जाए। ये 9 लाख अभ्यर्थी और उनके परिवार वालों की मांग है, तो उनकी भावनाओं का आप सम्मान कीजिए और 9 लाख अभ्यर्थियों को। आप हमेशा कहते हैं कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इससे। निश्चित रूप से करोड़ों लोग जुड़े, 9 लाख तो अभ्यर्थी है, उनका अगर परिवार देख लीजिए, एक स्टूडेंट के परिवार में अगर 5 लोग का भी गिन लीजिए तो 9×5=45 लाख तो ऐसे ही हो जाता है, और उनके सगे संबंधी होंगे, किसी परिवार में ज्यादा लोग होंगे, कोई शादीशुदा भी इसमें होंगे, बाल बच्चेदार भी होंगे, तो 1 करोड़ से ऊपर संख्या हो जाती है जो प्रभावित हो रहे हैं सीधा सीधा। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, BSSC से मांग कर रहे हैं कि 9 लाख अभ्यर्थियों की भावनाओं का ख्याल रखिए और 9 लाख अभ्यर्थियों के हित में कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा और परीक्षा को रद्द कर दीजिए। कैंपेन के बाद भी आप लोग की आवाज सरकार तक नहीं पहुंची। देखिए ट्विटर पे 5,74,000 ट्वीट हुआ जी, और नीतीश कुमार जी से तेजस्वी यादव जी से हाथ जोड़कर बार बार हम लोग विनती कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों के भावनाओं का सम्मान कीजिए और 9 लाख अभ्यर्थियों के भावनाओं को समझिए, और चूंकि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल था सोशल साइट पे, तो इसलिए आप तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द कीजिए और पुनः परीक्षा आयोजित करवाइए। हम लोगों को कोई शौक नहीं है सड़क पर उतरने का, आंदोलन करने का, सरकार से हम मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों की भावनाओं को ध्यान जाइएगा कहाँ और मांग को पूरा कर जाइएगा कहाँ तक। हम लोग यहाँ से अभी मुसल्लापुर हाट, वहाँ से फिर भिकना पहाड़ी होते हुए गांधी मैदान होते हुए BSSC ऑफिस जाइएगा, जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। पुलिस फ्री है, सभी लोग एक साथ आ जाइए, तो इधर उधर भी है, पटना पुलिस के अंदर है, बाहर आ जाइए और यहाँ आ जाइए, सभी लोग यहाँ आ जाइए। एक मिनट अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, गांधी चौक होते हुए मुसल्लापुर हाट होते हुए भिकना पहाड़ी, गोपाल मार्केट, पानीपत, गांधी मैदान होते हुए BSSC ऑफिस तक हम लोग को जाना है, तो ये मार्ग रूट सही रखिएगा, आपको इसी तरह चलना है और बिल्कुल शांतिपूर्वक शालीनता के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है, किसी तरह का उपद्रव नहीं, किसी तरह की हिंसा नहीं। अगर भीड़ में अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, कोई हिंसा की बात करे, तो ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले आप लोग कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक होता है, लोकतांत्रिक ढंग से हम आंदोलन करते हैं, संवैधानिक मूल्यों के तहत आंदोलन करते हैं, तो कोई भी हमारे भीड़ में अगर आए, आपको उकसाने की कोशिश करे, हिंसा की बात करे, तो ऐसे लोगों को आप पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए, और किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी आम पब्लिक को किसी भी तरह की क्षति नहीं हो, परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अरे छात्रोत्ता जिंदाबाद, छात्रोत्ता जिंदाबाद, BSSC परीक्षा रद्द करो, BSSC परीक्षा रद्द करो, बैनर पोस्टर जो भी रखे हैं आगे निकाल लीजिए, बैनर पोस्टर निकाल लीजिए। वीडियो को जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरे के, ताकि ये आवाज़ पूरे स्टूडेंट के साथ पहुंच सके। धन्यवाद।